Hello everyone, today we'll discuss about histone protein, okay? तो last time में मैंने आपको बताया था कि एक particular जो cell होती है, cell में क्या होता है, nucleus होता है, ये हो गया अपना cell, ये हो गया nucleus, और इस particular nucleus के अंदर क्या होते हैं, chromosomes, क्या होते हैं, chromosomes, और इस chromosome में होते हैं tightly packed DNA, तो आप सोचिए कि जो DNA है, जो अराउंड 6 feet का है, उसको हमें उस छोटे से क्रोमोसोम के अंदर टाइटली पैक्ड करना है, ठीक है? तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो आपने पतंग उड़ाई होगी कभी ना कभी, और उसके साथ में चक्रा रहता है जिसमें आप इस पर्टिकुलर धागे को लपेटते हैं, तो ये जो लपेटने का काम है ये एक्चुअली क्या है, हिस्टोन प्रोटीन करता है, कहां पर, हमारे सेल्स के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए को, और ये जो धागा है इसको हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, डीएनए, ठीक है? तो डीएनए बहुत लॉन्ग है और उसको हम लपेट रहे हैं, उसकी क्वाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्वाइलिंग हम कैसे करते हैं, जैसे कि पतंग के चक्रे के साथ में, तो वहां पर हिस्टोन प्रोटीन है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर क्या हो रहा है, जो डीएनए प्रेजेंट है वो टाइटली पैक्ड है। सपोज एक कप है, एक कप, इसमें आपको बहुत सारे थ्रेड्स हैं, मे बी 5000 थ्रेड्स हैं, और वो इस कप के अंदर डालना है, तो कैसे करोगे आप, उसको रोलिंग करोगे, इसको रोल करके छोटे छोटे बनाओगे, और यहां पर क्या करोगे आप, टाइटली पैक्ड करोगे, तो इसमें क्या 5000 जो थ्रेड्स हैं वो आ जाएंगे। तो यही जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए का जो लॉन्ग डीएनए है उसको क्वाइलिंग करना, वो कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो जनरली जो एमिनो एसिड्स होते हैं, इसमें लाइसीन होता है, एक लाइसीन, ठीक है, एंड आरजेनिन, इन दोनों के कारण हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट, आपने पढ़ा होगा, और ये निगेटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने के कारण ये पर्टिकुलर जो हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए है, इसकी क्वाइलिंग बहुत इजीली और टाइटली पैक्ड होती है, ठीक है? तो मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कौन कौन सी यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन को आप देखेंगे तो यहां पर जनरली H2A, H2B, H3, H4 ये सारे हिस्टोन प्रोटीन के कोर प्रोटीन है, ठीक है? इसी से हिस्टोन प्रोटीन बनता है। इसके अलावा एक होता है H1, जिसको हम लीनियर हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है? ये सिर्फ हेल्प करता है, पर हिस्टोन प्रोटीन किसका बना होता है, H2A, H2B, H3, H4, ऐसी इसकी जो सब यूनिट्स हैं आपस में आके मिलती हैं, कुछ डाइमर होते हैं, कुछ टेट्रामर्स होते हैं, और इससे ये क्या बन जाता है, ऑक्टोमर्स, इस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है? इस पर्टिकुलर यूनिट के कारण ये ऑक्टोमर बन गया, और ये जो ऑक्टोमर है इसके ऊपर आप ये चार ऑक्टोमर एक बार बना ले, यहां पर H2A, H2B, H3, H4, तो जो डीएनए है वो इसके ऊपर ऐसे राउंड क्वाइलिंग होती है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स, मींस हिस्टोन प्लस डीएनए, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। और जो न्यूक्लियोसोम है, अगर ये रिपीट होते जाते हैं, सपोज ये यहां पर आपने चार बनाए, फिर चार ऑक्टोमर्स बनाए, H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4, और इस पे क्या हो रहा है, डीएनए की क्वाइलिंग हो रही है, ठीक है? ऐसे करके 2 times क्वाइलिंग होती है। तो ये जो पर्टिकुलर डीएनए है, इसके ऊपर जो डीएनए है वो 146 बेस पेयर है, डीएनए जो राउंड हुआ है, ठीक है? और ये जो 146 बेस पेयर के अलावा
ये जो पोर्शन है इसको अपन लिंकर डीएनए बोलते हैं। तो लिंकर डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम्स जो है उसकी यूनिट को एक पर्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन है जिसको हम H1 प्रोटीन बोल रहे हैं, वो आकर यहां पर क्लिपिंग करता है, मतलब टाइटली उसको बांध देता है कि दोनों थ्रेड फिर से रीओपन ना हो। तो इस पूरी यूनिट को, जब एक न्यूक्लियोसोम्स होता है उसको हम क्रोमेटीन की यूनिट बोलते हैं, और वो बहुत सारे जब न्यूक्लियोसोम्स होते जाते हैं उसको क्रोमेटीन बोलते हैं, और जब बहुत सारे क्रोमेटीन बनते हैं उससे क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स। पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो ये पूरी हिस्टोन से रिलेटेड डिस्कशन है। यहां पर एक बार मैं बहुत फास्ट बोलूंगा आपसे कि जो पर्टिकुलर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और उस क्रोमोसोम में डीएनए रहता है। तो डीएनए हाईली टाइटली पैक्ड रहता है, कॉम्पैक्ट कंडेंस स्ट्रक्चर, और उस कंडेंस स्ट्रक्चर को कौन बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन, और वो हिस्टोन प्रोटीन है H2A, H2B, H3, H4 कोर प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें H1 जो है वो हेल्पर प्रोटीन है, ठीक है। और इस हिस्टोन प्रोटीन प्लस जब डीएनए मिलते हैं दोनों, तो उससे न्यूक्लियोसोम बनता है, और जब ये न्यूक्लियोसोम्स हैं ये आपस में जो बीच में जो लिंकर डीएनए होता है और उसको और जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उसके बीच में एच प्रोटीन उसको टाइटली एज ए क्लिप के रूप में बाइंड करता है कि वो रीओपन ना हो। और ये जो है न्यूक्लियोसोम्स है ये क्रोमेटीन की यूनिट है, और ये जब रिपीट होने लगता है तो उससे क्रोमेटीन बनता है, जब बहुत सारे क्रोमेटीन बन जाते हैं तो उससे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के अंदर हाईली टाइटली पैक्ड होता है, किसके कारण, हिस्टोन प्रोटीन के कारण। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।